हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और त्योहारों का तैयारियों में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार सभी से विनम्र निवेदन है कि दीपावली में अपने बच्चों को ज़्यादा पटाखा वगैरह ना खरीदें, पटाखे से दूर रखें, ऐसे ही घर में रह करके त्यौहार का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पिटोनिया के पौधे हैं। ये परमानेंट ठंडक के ही प्लांट हैं। इनके फूल सर्दी में ही खिलते हैं, नवंबर से लेकर के मार्च तक। उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लो पौधे को जिंदा रखने की, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। मैंने पिछली बार बहुत प्रयास किया धूप से बचा बचा के रखना, लेकिन पौधा हमारा बचा नहीं था। मैंने उस पर एक ऐसा प्रयोग किया था कि देखें ये बचता है कि नहीं है। तो मैं जब नर्सरी से पौधे लाई थी तो एक पौधा हमारा बहुत कमज़ोर था, तो मैंने उसको बिना उम्मीद के ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था कि शायद ये बच जाए। तो बच गया, अच्छा प्लांट तैयार हो गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँ। तो ये देखिए, मैंने ये डलिया खरीदी थी, तो इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो बड़े आराम से मैं इसको इस बास्केट में लगा लूँगी और बहुत सावधानी पूर्वक मैं इसको इस गमले से निकालूँगी, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है तो हमारे दूसरे काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको, देखिए पूरी मिट्टी सही थी, मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं सावधानी पूर्वक इसके चारों तरफ मिट्टी भर दूंगी, तो जिसके से पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा ये पौधा भी बढ़िया अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। मिट्टी हमारे पास पहले से ही बनी तैयार रहती है, तो इसलिए ज़्यादा कोई झंझट का काम नहीं है कि मिट्टी लाए बनाए। कई दिन से सोच रही थी कि मैं इसको लगाऊंगी, इसलिए जो है आज इसकी बढ़िया से रिपोर्टिंग कर दी। पूरी ठंडक भर, थोड़े दिन में ये पूरी बास्केट भर जाएगी, क्योंकि पिटोनिया के फूल भर भर करके फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ा सा पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर तो रुकने का नाम नहीं लेती है। एक दो बार खाद दो बस, उसके बाद फिर बढ़िया अच्छे से पौधे चल जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दो दिन तीन दिन पौधे पर फूल टिकता है। हमारे पौधे के सफ़ेद, पर्पल, रेड, रानी कलर और इसमें भी पता नहीं कैसे निकलेगा। सीड से मैंने ये देखिए बरबीना लगाया था, छः पौधे निकले थे जिसमें से एक ही बच पाया है। अभी पता नहीं, अभी इसमें बड नहीं बंधी हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में इसमें भी कलियाँ आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये इसकी रिपोर्टिंग। अब इसमें पानी डालना है, तो पानी के लिए मैंने पहले से ही एलोवेरा को भिगो करके रखा है, तो मैं एलोवेरा का ही पानी इसमें सबसे पहले डालूंगी, क्योंकि एलोवेरा का पानी डालने से एलोवेरा जो है रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, तो जो जड़ें इनकी इधर उधर निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई होंगी उनकी ये रिकवरी कर देगा, एक प्रकार से वो टानिक का काम करेगा। तो ठीक है, मैं पानी लेकर के आती हूँ, तो फिर इसमें डालती हूँ। तीन चार दिन पहले मैंने एलोवेरा के जेल का प्रयोग किया था, तो उसके छिलके छील करके मैंने डुबो करके रख दिए थे इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं काम देगा। तो देखिए, मैंने ये जो पिटोनिया का पौधा लगाया है इसी में मैं इस एलोवेरा के पानी को डाले दे रही हूँ। तो जो इस गमले से इसमें आया है, तो जो ये इसको थोड़ी तकलीफ होगी कि मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, तो उसकी रिकवरी ये एलोवेरा जेल कर देगा। देखिए, लग करके तैयार हो गया है। और ये हमारा, ये भी ठंडक का ही प्लांट है, बरबीना नाम है इसका। अभी हमने बरबीना का पौधा कभी लगाया ही नहीं है, बीजों से लगाया था, तो पौधा तो तैयार हो गया है लेकिन अभी कलियां नहीं आई हैं। लेकिन कुछ उम्मीद लग रही है कि इसमें आठ दस दिन के अंदर ही कलियां आ जाएंगी और पौधा फ्लावरिंग की ओर बढ़ जाएगा। तो इसको मैं किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी, मिट्टी का गमले में लगाऊंगी। तो दो चार दिन अभी इसको और इसी में रखूंगी, फिर किसी दिन मैं इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे पिटोनिया की ट्रांसप्लांटिंग कैसी रही, फूल कैसे लगे, फूलों के कलर कैसे लगे, सब
सब आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये पिटोनिया के पौधे परमानेंट ठंडक के ही प्लांट हैं, ये ठंडक में ही होते हैं, अदर सीजन में होते ही नहीं हैं। और इसके फूल जो है काफी अच्छे लगते हैं देखने में। वो डैंथस के पौधे हैं हमारे, इसमें इसमें फूल निकले हैं, लेकिन जो है हमने इसको पिछले साल के ही पौधे से पौधा तैयार कर लिया है, क्योंकि छाया में मैंने पौधे को तेज धूप में मैंने बचा करके इसको छाया में रख लिया था, तो ये पौधा जो बच गया था, तो बारिश में जब ये गलने लगा तो इसकी जो कुछ हमें डाले सही दिखी, तो मैंने उसको दूसरे उसमें कटिंग लगा दी, तो सारी हमारी कटिंग सक्सेस हो गई और हमारा पौधा चल गया, तो इसलिए मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत खूबसूरत इसके भी फूल निकलते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होने लगी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।